टुडेज वीडियो टाइटल से तो आपको सबको पता चल गया रहेगा कि वीडियो किसके बारे में होना चाहिए, बट मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ड्रॉप्स लेने वालों को डीमोटिवेट कर रही हूँ, और ऐसे लोग जो जिनको पहले भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए और बाद में दे आर एक्सपेक्टिंग कि अरे बाबा बहुत कुछ हो जाएगा अलग, और अपने ईयर्स वो लोग वेस्ट करते जा रहे हैं, स्पेशली जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सो ऑन जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनको मैं डीमोटिवेट करने आई हूँ। एक्चुअली बोलूँ तो ये बात बोलकर कि प्लीज़ इतने साल एक चीज़ के पीछे वेस्ट मत कीजिए, आपका कोई और अच्छा कोर्स हो जाएगा यार उसके पीछे। प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से सोचिए, ये इमोशनल में से नहीं हुआ, मैं तो हार गया, मैं तो क्या बोलता नहीं क्वालिफाई हुआ, रिलेटिव्स हंस गए मेरे पे, अभी मैं नॉर्मल कोर्स कर दूंगा तो मैं क्या करूँगा, लोग तो मुझ पर हंसेंगे, ये सब सोचने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने आपके बारे में बात कर लेंगे, साल भर आपके बारे में बात कर लेंगे, कोई फंक्शन आ जाएगा तब बात कर लेंगे, उसके अलावा कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा कमा रहे हो। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेल एवरीथिंग, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन में ही लिखा है कि आई एम योर फ्रेंड हु लव्स टू टेल यू द ट्रूथ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इज अ मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग दिस एग्ज़ाम और मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिविजुअली इन इंडिया आर मिडिल क्लास, लाइक सब मिडिल क्लास है। और एक यूट्यूब क्रिएटर है रक्षिता सिंह करके, नाउ आई रियली रिस्पेक्ट हर, बट अभी आजकल वो जो हर हर महीने के वो स्ट्रैटेजी वीडियोस डाल रही है उसको आई डोंट सपोर्ट, बट वन लाइन शी सेड जो मेरे दिमाग में एकदम बैठ ही गई, और ऐसी बैठ गई कि मतलब वो लाइन मैंने बस एक ही बार सुनी बट वो लाइन इतनी मेरे लिए वो इतनी पावरफुल थी कि वो मेरे दिल को ही छू गई। दैट लाइन वॉज कि जो अच्छा बच्चा रहता है ना वो हमेशा घर पे पैसे लाता है, वो घर से पैसा लेकर नहीं जाता, वो हमेशा घर पर पैसे लाता है। और इवन अगर उसने पैसे घर वालों से पैसे लिए, बड़ा लाइक महंगा कोर्स किया, तो वो पैसे दुगने चौगने करके वापस देता है। दैट शुड बी द मेन ऑफ योर लाइफ कि पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने, एक ऐसा कोर्स चूज़ करना है जिसके रिटर्न्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROR करके एक टर्म रहता है, यूजुअली द कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड CAs एंड एवरीथिंग उनको पता रहेगा। तो ये टर्म एक्चुअल में अगर आप अपनी लाइफ में लगाओगे तो ये होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो बस उसको हाँ मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा ये सोच कर नहीं करना है यार। कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके ऊपर आप उसमें आप जॉब करने वाले हो क्या, कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको होने वाला है क्या जितना पैसे आप डाल रहे हो वो कोर्स में, तो वो कोर्स का कोई मतलब है। वरना फिर क्या, ऐसे तो कोई भी BSc कर लेगा, ऐसे तो कोई भी कर लेगा कुछ भी कोर्स। तो मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम में सबसे मेन यही है कि सबके घर में एक ही अर्निंग पिलर रहता है, और वो अर्निंग पिलर को यही एक्सपेक्टेड रहता है कि कब हमारा बच्चा बेटा बेटी जल्द से जल्द कोर्सेज कंप्लीट करेंगे, अच्छे एग्ज़ाम देंगे और कमाने लग जाएंगे। बट अगर आप MBBS या फिर कोई भी 5.5 साल का कोर्स करने का प्लान कर रहे हो तो वो कोर्स में जो 4.5 साल है उसमें तो आपकी कुछ भी कमाई नहीं होने वाली है, आप अर्न नहीं करोगे 4.5 साल में कुछ भी, आपको बस पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ाई भी ऐसी वैसी नहीं है कि आप वो पढ़ाई के साथ जॉब करने का सोच रहे हो अगर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रेस में है, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में अलग स्ट्रेसफुल माहौल है अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, तो आपको सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मैं कैसे जल्द से जल्द कमाने लग जाऊँगा पैसे। क्योंकि अगर आप ये चीज़ का वेट करते बैठ गए कि मेरा डिग्री कंप्लीट होगा उसके बाद मैं कमाऊँगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार आप MBBS करोगे उसके बाद भी देयर इज नो एंड टू दिस, आपको MD करना पड़ेगा, MD के बाद भी आपको उसके बाद भी आगे 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 बहुत पढ़ाई है जो आपको करनी पड़ेगी। बट MD करने के बाद आपको एक नॉर्मल अच्छी खासी 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो जाएगी, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत साल देने पड़ेंगे ये चीज़ को जब तक आप कमाने लग जाओ। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखो, अगर आपकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली अच्छी नहीं है तो ये आपकी भी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पैसे जल्द से जल्द कमाने लग जाओगे तो आपकी फैमिली को एक रिलीफ मिल जाएगा, एंड दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमारी एग्ज़ाम में ऑथेंटिसिटी
ऑफ द एग्ज़ाम. ये चीज़ तो नीट ने अभी क्या बोलते हैं, एनटीए ने तो भरोसा ही उड़ा दिया एग्ज़ाम पर से. जो भी इस साल हुआ, तीन तीन चार चार बार रिजल्ट्स पब्लिश हुए एंड लिटरली इतना मेंटली हरास किया बच्चों को, इवन टीचर्स को. ये सब चीज़ें वापस नहीं होगी, ये गारंटी कौन लेता है. कोई ना कोई करप्ट निकल जाएगा, कोई तो बीच में से पैसे पैसे के लिए एग्ज़ाम का पेपर लीक कर देगा. बट इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उन 24 लाख बच्चों का ही तो नुकसान हो रहा है. और अब ये नंबर तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ तो ऐसी ही बढ़ती जा रही है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द एग्ज़ाम विच इज़ नॉट गारंटेड, कि हमें जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है. बट ठीक है, अभी जो लास्ट वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, आई वॉज ओके विथ इट, कि वो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन का क्वेरी सॉल्व हो गया. फिर वो 1500 स्टूडेंट्स थे उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो ठीक है, थोड़ा बहुत किया है ठीक ठाक, बट बाकी तो फिर वाट ही लगा दी ना सबकी. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप इतना क्या बोलते हैं पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि आपको आप खुद से पढ़ने लग गए, आपको खुद से सब समझ में आ गया कि हाँ बाबा ठीक है मुझे मुझे आता है, अगर मैंने एक दो बार पढ़ लिया, खुद से सीख लिया, यूट्यूब पर 2 वीडियोस देख ली, मेरा हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा. बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको एक टीचर की ज़रूरत है कि कोई तो मुझे अच्छे से समझाए सिखाए, 4 बार समझाए, 5 बार समझाए, 20 बार समझाए, अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो आपकी 110% कोचिंग में फ़ीस लगेगी लगेगी. और वो फीस कुछ कम नहीं रहती है, कम से कम अभी तक सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप नीट के लिए दे रहे हो तो कुछ कुछ जगह पर सब्जेक्ट 1 लाख भी लेती है, और कुछ कुछ जगह जो आपको बहुत भीड़ में बिठा देगी वो आपको 1 लाख में भी आपका काम कर देगी. फिर आपको भीड़ में बैठना पड़ेगा और वापस से फिर आपको वही सर्कल में घूमते रहना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में तो कुछ समझ में आता ही नहीं है. तो कोचिंग की फ़ीस भी बहुत लगेगी. और अगर आप सोच रहे हो कि आप MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल की कॉलेजेस की फ़ीस तो स्टार्टिंग ही 1 करोड़ से. उतना पैसा अगर आपके पास होता तो मैं तो बोलती कि किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर लो वो पैसा, अगर आपको सच्ची में उतने पैसों की ज़रूरत है. क्योंकि ये जो पागलों की तरह वो जुनून बना कर रखा है ना, अभी एक अमन तिलक करके यूट्यूबर है और ही इज़ एन एम्स, आई रियली रिस्पेक्ट दैट मैन. उनके मतलब वो कभी क्लिकबेट वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो हमेशा ट्रुथ बताते हैं सबको, ये बहुत अच्छी बात है, आई रियली डू रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. बट वो हमेशा वो एक अलग ही प्रकार का मोटिवेशन दे देते हैं ना, कि जो ड्रॉपर्स है, जो 5-5 साल वाले ड्रॉपर्स है, वो जो 3-3 साल वाले ड्रॉपर्स है, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं. वो अच्छी बात भी है, बट एक साइड देखा जाए तो उनके मोटिवेशन से जो बच्चा मतलब जो ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो भी मोटिवेट होकर अगर इन इन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देगा तो सफ़र तो उनके पेरेंट्स ही होने वाले हैं ना. एट दी एंड ऑफ द डे सब लोग अपनी डेस्टिनी खुद लिख कर आते हैं. बट अगर हम हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं तो वाई नॉट. अगर हमने एक दिमाग में वो कीड़ा पाल कर रखा है कि नहीं मुझे नीट ही करना है, मैं MBBS डॉक्टरी बनूंगा, MBBS डॉक्टरी बनूंगा, और अगर नहीं हुआ तो रोते बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, 4-4 साल वेस्ट कर दिया, वो साल वेस्ट करना आई डोंट सपोर्ट. क्योंकि मिला नहीं मिला वो आपके मेहनत के ऊपर है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी ईजियर. अगर आप MBBS में जाओगे उसके बाद भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और वो जो आपके बैचमेट्स रहेंगे वो भी उतना मार्क्स लेकर आने वाले रहेंगे, उनसे भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी आपके साथ नीट क्रैक किया है. तो ये भी आपको आपके दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि आप जिसके साथ रह रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक मेंटली स्ट्रांग पीपल है, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, और आपको भी उनके जैसा उनके साथ पढ़ाई करना पड़ेगा. इसीलिए वो 5.5 साल तो आपके पूरे प्रेशर में जाएंगे. क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि MBBS में जाने के बाद हैं इतना नहीं पढ़ना पड़ता, डॉक्टर्स भी तो आजकल टाइम पास करते हैं, वो भी तो मज़ा कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है. आपको कम से कम 12-12, 13-13 घंटे एग्ज़ाम्स के टाइम, शायद पूरा पूरा दिन, बस 8 घंटे की नींद छोड़कर पूरा पूरा टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा. और ये बात आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी, जिसने भी आपके दिमाग में वो डिलूलू डाल कर रखा है ना कि नहीं हो जाएगा पढ़ाई, 2-2 घंटा रोज किया तो भी हो जाएगा, MBBS ही तो है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो कंपटीशन अभी बढ़ते जा रहा है उसको अगर आप कंसिडर करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड दिस कंपटीशन इज़ नॉट गोइंग टू बी इन ओनली इन MBBS बट ऑल्सो आफ्टर यू बिकेम अ डॉक्टर. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे क्लिनिक में तुम एक ही डॉक्टर हो. हाँ, अगर तुम गांव को बिलोंग करते हो, वो साइड पे बिलोंग करते हो जिधर इतने सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स की संख्या कम है, तो आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है,
क्योंकि तो आप अगर जितना भी चाहिए तो पैसे आप ले सकते हो, बट अगर आप शहरों की बात करो, यूजुअली मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, आपको हर एक गली गली मतलब हर एक लेन में डॉक्टर मिल जाएगा। हर एक लेन में होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। और लोग यूजुअली जिनको फास्ट इलाज जो चाहते हैं वो तो MBBS की तरफ ही जाएंगे, जिनको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहेंगे वो होम्योपैथी की तरफ जाएंगे, और जिनको आयुर्वेदिक में ज़्यादा भरोसा वो आयुर्वेदिक की तरफ जाएंगे। बट फिर भी एक डिफ्रेंसिएशन में आप देखो ना, मतलब आपके साथ कम्पीट करने के लिए बस MBBS वाले ही नहीं हैं। अगर आप BAMS कर रहे हो तो आपके साथ कम्पीट करने वाले MBBS वालों के साथ, अगर आप कम्पीट कर रहे हो तो आपके साथ बस बहुत सारे लोग हैं कम्पीट करने के लिए। बस एक ही टाइप का डॉक्टर नहीं है, अलग अलग टाइप के डॉक्टर हैं, अलग अलग टाइप की मेडिसिन हैं। तो आप ये सबसे मेन बात कंसिडर करो कि बस अगर आप एक बार नीट क्रैक कर ली, उसके बाद आप सोच रहे हो ना ऐश ही ऐश है, ऐश तो किधर भी नहीं है। एक बार अपना MD करने के बाद भी ऐश नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे आप कितना भी पढ़ो, कितना भी कुछ भी करो, बट अगर आपके हाथों में वो स्किल नहीं है, आपने MD कर लिया, आपने डीन कर लिया, आपने सबसे टॉप टायर का पढ़ाई कर लिया, 40 साल के हो गए, बट आपकी दवाइयों से, आपके दिए हुए सॉल्यूशन से अगर पेशेंट्स ठीक हो ही नहीं रहे, तो आपकी पूरी पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? आपके हाथों में वो जादू होना चाहिए कि आप बोलते हैं ना, हाथ लगाने के बाद ही पेशेंट ठीक हो गया। इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट कि आप दवाई दे रहे हो, आपकी टॉकिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए पेशेंट के साथ, स्पेशली अगर आप पीडियाट्रिशियन हो तो। बट नॉट तो भी अगर आप लोगों को ट्रीट कर रहे हो तो आपको उनसे बात करने का अच्छा स्किल होना चाहिए, आपसे बात करके उनको एक पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए। और अगर आप ही डिप्रेशन में चले गए हो पढ़ पढ़ के तो आप क्या उनको क्या दोगे, उनको मोटिवेशन क्या उनको बोलोगे कि आप ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, अगर डॉक्टर का ही मुंह एकदम लटका हुआ है तो। ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा नोबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप सच्ची में ये करना चाहते हो तो ही। अगर आप सिर्फ ये माइंडसेट से सोच कर आ रहे हो कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ये सब चीज़ें आप सोच कर आ रहे हो तो मत आओ। क्योंकि अगर डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है, बट फिर डिसरिस्पेक्ट भी कैसा होता है उसके बारे में आपने वीडियोस भी देखी रहेंगी। लिटरली पेशेंट गया तो लोग डॉक्टर को मारने तक आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा भगवान है, भगवान मतलब बोलते हैं ना डॉक्टर भगवान होते हैं, बट फिर अगर भगवान नहीं बचा पाया तो भगवान को मारने उठते हैं वो। यही तो रियलिटी है, यही तो हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी पड़ेगी अगर आप सच्ची में ड्रॉप्स ले रहे हो ये कोर्स लेने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितने डॉक्टर्स की नीड है। अभी हमें दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले होम्योपैथी करने का सोच रही थी, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में वो बताया था, जो विच वीडियो विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक दैट वीडियो, दैट वीडियो इज़ रियली नाइस। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट ऑल द कोर्सेज और उनका हार्श रियलिटी क्या है। मैंने आपको हेल्प भी किया वो वीडियो में, सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो। हाँ, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट अर्निंग, ये तो टॉपिक मैंने पहले बता ही दिया हुआ है। अगर आप जितने ड्रॉप्स लेते जाओगे आपका बायोलॉजिकल साइकिल उतना देरी से होता जाएगा। अभी लड़कियों को PCOS का प्रॉब्लम है, लड़कों को लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है, लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। मतलब आर जनरेशन इज़ लाइक बिकमिंग इनफर्टाइल। इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए रहेंगे, बहुत सारे लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वाले यूट्यूब पर। बट वाई इज़ दैट? एक तो स्ट्रेस, हमारे खाने की हैबिट्स, इतनी सारी बुरी बुरी चीज़ें हम रोज़ हमारी डेली लाइफ में कर रहे हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब इतनी बुरी बुरी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर बच्चों को डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है व्हेन दे वांट टू हैव अ बेबी, स्पेशली उनको लेट बेबी चाहिए। फिर डाउन सिंड्रोम के केसेस बढ़ जाते हैं, फिर इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली PCOD PCOS तो लड़कियों को होता ही है, क्योंकि हमको बहुत पसंद है चॉकलेट खाना। मुझे भी है, मतलब मुझे था, अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आई रिवर्स्ड इट ऑल, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यही बायोलॉजिकल साइकिल पूरा लेट हो जाता है, फिर शादी लेट होगी, बच्चे लेट हो गए, सब लेट हो गए। मतलब टू द पीपल आई एम टेलिंग दिस, टू द पीपल जो एक दिन अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड ये चीज़ बहुत बुरी है। मतलब अगर आपको लगता रहेगा कि नहीं मैं कर लूँगा, क्या अभी 30s में भी तो हेल्दी बेबीज़ होते हैं, मेरी मॉम जब 35 की थी तब मैं हुई थी, बट यू शुड नॉट कंपेयर आर थिंग्स विद द पीपल हु आर लाइक मिलेनियल्स। क्योंकि मिलेनियल्स अगर बोला जाए तो उनकी लाइफ हमसे बहुत अच्छी है, वो अभी बनने जा रहे हैं माँ बाप, और हम इतना गंदमंद खा रहे हैं, हमारी एयर
इतनी गंदी होती जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी गंदी होती जा रही है. इसीलिए द थिंग इज़ कि हम हमारी लाइफस्टाइल हमारे पेरेंट्स से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बॉडी में जो स्ट्रेंथ है ना, इनर स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग वेट्स एंड ऑल, जो इनर स्ट्रेंथ उनकी बॉडी में है ना, वो हमारी बॉडी में नहीं है. क्योंकि हमारी एयर भी गंदी है, हमारा खाना भी गंदा है, हम नहीं वो लाइफ, कितना भी हम ट्राई करें वो लाइफ जीना बहुत मुश्किल है जो लाइफ वो जी रहे थे उनके टीन्स में. और हमारे टीन्स में हम जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत अलग है. इसीलिए वो बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात भी हो गई. एंड देन लेट सक्सेस मिलेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाइक व्हाट नॉट. एक समराइज बोल दूँ तो मैंने एक टॉपिक्स निकाल कर रखा है, एक तो मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम, ऑथेंटिसिटी ऑफ द एग्ज़ाम, कोचिंग के फीस कितने ज़्यादा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस कितने ज़्यादा है, लेट अर्न करोगे बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाएगी, लेट सक्सेस मिलेगा, लेट अर्निंग शुरू हो जाएगी, कंपटीशन कितना ज़्यादा है बिफोर MBBS एंड इवन आफ्टर डूइंग MBBS. और सबसे मेन बात कि आपके एरिया में डॉक्टर्स की नीड है या नहीं. ऑल दीज थिंग्स आर द मेन थिंग्स यू शुड कंसिडर एंड थिंक अबाउट बिफोर टेकिंग अनदर ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप या फिर जितने भी ड्रॉप आपने अभी तक लिए, बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप फॉर योर नीड एग्ज़ाम. Please think about all these things and please let me know how was this video. Do you find this video helpful? It will be a really delightful experience if you drop a beautiful comment. Meri last video par bahut acche acche comments aaye. I was really happy to read all that things. Mera pura din ban gaya wo comments padke. Please ek pyari si comment chhod do, like kar do video ko, share kar do agar aapko ye video helpful hui. Thank you so much for lending your ears to me and spending so much time. ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, but I know अगर जिनको अच्छी लगी वो सुनेंगे वीडियो, जिनको नहीं अच्छी लगी they can of course skip. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.